ओम शांति। आज तारीख है 21 छः 2021। प्रत्यय मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुवन। मीठे बच्चे पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। प्रश्न है, संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की रजाई का तिलक मिल जाएगा। उत्तर है, संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी हैं, हम शरीर नहीं। अंदर में यही घोटते रहो कि हम आत्मा हैं, हमें बाप से वर्षा लेना है। बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। इस तिलक से स्वर्ग की रजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, मैं गारंटी करता हूँ, तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। मीठे मीठे शिकिलदे बच्चों, प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, आपका धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पहला पॉइंट, बाहर के वहात व्यर्थ खेलतों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना और अपना चार्ट देखना है। दूसरा पॉइंट है, जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। याद से आत्मा को एवर हेल्दी वेल्दी बनाना है, ऐसे ऋणी रहने का अभ्यास करना है। वरदान, वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का धारण करने वाले मास्टर नॉलेजफुल बहु। डिटेल से है वरदान, जो वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करते हैं उन्हें मास्टर नॉलेजफुल का वरदान प्राप्त होता है। उनकी एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। उनका एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती हैं। उनके हर शब्द में सेंस सार भरा हुआ होता है। उन्हें विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। उनके पास खजाना भरपूर रहता है, इसलिए वे सदा संतुष्ट और हर्षित रहते हैं। उनके बोल प्रभावशाली होते जाते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। स्लोगन है, स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। अच्छा, फिर से ओम शांति। आप सभी बाबा के मीठे बच्चे, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बाबा की मुरली की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता जाए। अच्छा, फिर से ओम शांति।